हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर इंडिया क्लब में। फ्रेंड, आज मैं आपको इस वीडियो क्लिप में बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक को बताऊंगी। फ्रेंड्स, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए आपको बॉन्ड ऑर्डर कम समय में निकालना आना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की रिलेशन को देखें तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख जाते हैं तो आप इन सारे टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड या मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप सोचेंगे कि आप क्या करें। लेकिन अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में बॉन्ड ऑर्डर निकालें और अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाता है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिसके लिए आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, तो अब आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड ऑर्डर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन से निकालते हैं, बट वो टाइम टेकिंग होता है, इसलिए आपको बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपको शॉर्ट टाइम में निकालना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको वो ट्रिक बताती हूँ। लेकिन ट्रिक बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। फ्रेंड्स, इस ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले एक रेफरेंस लेवल लेना होता है, और वो रेफरेंस लेवल हम लोग लेते हैं N2 को। फ्रेंड्स, अगर आप N2 का स्ट्रक्चर देखें तो वो इस टाइप का होता है। N और N दोनों ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे आपको तीन चीज निकालने की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है N2 का। अगर आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन N2 का देखें तो वो 10 है। फ्रेंड्स, याद रखें हमने यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा है, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही निकालना है। फ्रेंड्स, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर N2 का 3 होता है। आप स्ट्रक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं या फिर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अब ट्रिक ये अप्लाई करना है कि आपको बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज करना है पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ट्रिक सीख जाते हैं तो विदाउट पेन एंड पेपर आप सिर्फ क्वेश्चन देके बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखें, मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ। आपको रेफरेंस लेवल N2 लेना है जिसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 होता है। 10 आपका रेफरेंस लेवल होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 आपका रेफरेंस लेवल होगा, और आपको जिस कंपाउंड या मॉलिक्यूल का निकालना है उसमें आपको 0.5 डिक्रीज करना है पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले हमारा जो एग्जांपल होगा वो हम लोग लेते हैं, लेट इट बी B2+। तो B2+ का अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो आता है 5, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा 5। तो इसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और आपका रेफरेंस लेवल 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का था, तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 5 का है। तो 5 का है तो बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5 डिक्रीज कर रहा था, तो 5 के लिए आपका कितना डिक्रीज करेगा? 0.5 इंटू 5 दैट विल बी 2.5। तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर न्यू आएगा, चूंकि 10 के लिए 3 था, तो अब जो आपका B2+ के लिए आएगा वो 3 - 2.5 दैट इज 0.5 आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इससे नहीं समझते हैं तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके समझाती हूँ, जैसे कि आपका एग्जांपल NO-। फ्रेंड्स, अगर आप NO- का अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालेंगे तो वो आपका आएगा नाइट्रोजन के लिए 5, ऑक्सीजन का 6 और एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो टोटल हो जाएगा 12। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका टोटल 12 आ गया। आपका रेफरेंस लेवल 10 था, तो 10 से 12 दो ज्यादा है। एक के लिए आपको 0.5 डिक्रीज करना था, तो दो के लिए आपका टोटल डिक्रीज हो जाएगा 2 × 0.5 दैट विल बी 1। सो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3 - 1 दैट इज 2। फ्रेंड्स, इस दोनों एग्जांपल्स में आशा करती हूँ कि आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए होंगे, और अगर आप इस बॉन्ड ऑर्डर टॉपिक पे इस ट्रिक के थ्रू अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से विदाउट पेन एंड पेपर कहीं पे भी बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी, और वो एक्सेप्शन होता है Cu+ का। फ्रेंड्स, यही एक ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 3 होता है। फ्रेंड्स, ये एक्सेप्शन होता है, इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को अगर इस ट्रिक से निकालेंगे तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 2.5। फ्रेंड्स, सेम जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे आप इसके लिए भी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 2.5 आ रहा है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल मतलब एक्सपेरिमेंटल जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 3.5 आता है।
तो फ्रेंड्स इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस ट्रिक से आप निकालते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये एक्सेप्शन होता है, तो ये आप इसको ध्यान में रखें कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। फ्रेंड्स ये था बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक, जिससे आप बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।